नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। लाइफलाइन एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आइए बात करते हैं सपनों की दुनिया की। सपने जो हम देखते हैं, सपने हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण विषय होते हैं। मित्रों, सपने देखना एक इत्तेफाक नहीं होता है, सपने हमको एक संकेत देकर जाते हैं। मित्रों, लेकिन सुबह के सपने जो होते हैं, ब्रह्म मुहूर्त के सपने, उसी का कुछ मतलब होता है। मित्रों, बाकी सपने तो 12 बजे के पहले जो आते हैं, उनका कोई महत्व नहीं होता है। मित्रों, सुबह के 4 बजे के सपने ही महत्वपूर्ण होते हैं। मित्रों, तो आइए बात करते हैं सपनों में टोपी देखना कैसा होता है। सर पे लगाने वाली जो कैप होती है, उसको सपने में देखना कैसा होता है। तो मित्रों, जानने से पहले आइए लाइफलाइन एस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं, उनका धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया है, कृपया नीचे लाल बटन को दबा के हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। मित्रों, तो आइए जानते हैं सपने में टोपी देखना, कैप देखना कैसा होता है। मित्रों, तो अगर आपने सपने में कैप देखी है, टोपी देखी है, तो ये मित्रों उन्नति और प्रगति का सूचक होता है। लेकिन इसके भी दो शुभ और अशुभ दो प्रकार के परिणाम होते हैं। मित्रों, तो ये तो शुभ हो गया कि अगर आपने कैप को देखा है, तो ये शुभ परिणाम होता है इसका। मित्रों, इसी तरह से अगर आपने सपने में टोपी को सर के ऊपर रखते हुए देखा है मित्रों, तो ये अशुभ सपना है, अच्छा सपना नहीं माना जाता है। अगर आपने कैप को, टोपी को सर के ऊपर रखते हुए देखा है, तो ये आने वाले भविष्य में आपका अपमान होने का सूचक है। मित्रों, आने वाले समय में आपके लिए अच्छा नहीं है, अपमान होना आपका है, ये संकेत दे रहा है मित्रों सपना। तो मित्रों, आपने जाना सपने में कैप देखना, टोपी देखना कैसा होता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।